हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो ऐसे ही ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बाकी सारे ब्लॉगर्स, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबकी कॉपी करके मज़ा नहीं आता, अपना अपना नया स्टाइल होना चाहिए। ऐसा बोलने से होता भी क्या है, आप सब लोग तो ठीक ही होंगे मेरे आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। आप इतने बड़े हो गए। अरे मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, आप सब लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही ये है नाजुक, कोमल और प्यार से भरा हुआ। क्योंकि मैं किसी छोटे बच्चे को अगर घंटों तक घूरता रहूँ ना, तो उसको नज़र नहीं लगती, जबकि माँ बाप की नज़र लग जाएगी लेकिन मेरी नज़र नहीं लगती। इससे ये पता चलता है कि मैं कितना प्योर हार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो दिल में जो है ना, मतलब किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए, जलन जलन का स्वभाव नहीं होना। शाम को आकर जैसे ही सोया मैंने 10 बजे नींद लगी, तभी मेरा पेट टूटना शुरू हुआ। तो मुझे तो ऐसे, मतलब मेरा वजन है या फिर कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे तो अचानक से पेट इस तरह से दुखने लगा कि अकड़ने लगा। तो मैंने कुछ समय से मेरे बीवी से कहा कि नहीं नज़र उतारो। उसने नमक से नज़र उतारी, फिर झाड़ू से नज़र उतारी, और नज़र उतारते ही तुरंत पेट दुखना बंद हो गया। तो गाइस, ये चीज़ खाते वक्त पूरी नज़र से देखता है तो आपके पेट में ज़्यादातर दर्द होता है, तो आपको बहुत ही जल्द मतलब नज़र आने लगता है, दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है, ठीक है। तो आप अगर जिस वक्त खाना खा रहे हो सकता है 1 घंटे में आपका पेट इतना दर्द करने लगे कि आपको पता ही ना चले, और आप ये सोचने लगते हो कि पेट में कुछ खाने की वजह से दर्द हो रहा है। नहीं, एक बार नजर उतार के देखिए, उसके बाद ही जाकर आप पैसे खर्च कीजिए, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके। अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है तो नजर मत उतारिए, अगर आप लोगों को इस पर विश्वास नहीं है सीधे जाइए अस्पताल में और पैसा बहा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं हूँ आज बीड़ में। मैंने कल का ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं शेरारन से बीड़ कब आया। तो वीरेन को हो गया है आई फ्लू, इसलिए वो दारू के ग्लास में दूध पी रहा है और इससे आई फ्लू कम हो जाता है। तो ये मजाक की बात है, दिखाओ। तो ये देखो इसकी आँखें, एक थोड़ी कम हो चुकी है, कल बहुत ही थी, एक राक्षस जैसी और एक इंसान जैसी लग रही है। तो आई फ्लू, इसको देखने से भी आई फ्लू हो जाता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर घर में एक आदमी को हो जाए तो ये सबको घेर ही लेता है। देखते हैं, अब 2-4 दिन बाद समझ में आएगा कि इसका इन्फेक्शन सबको होता है या नहीं, इससे बच के ही रहना पड़ेगा थोड़ा। सब्सक्राइबर एक साल में हुए जैसे, कल ना उसे कितने सब्सक्राइबर हुए, 21 मिलियन सब्सक्राइबर, 22 मिलियन सब्सक्राइबर हुए उसके। तो ये लाया है वीरेन मेरे लिए दूध, और मैं इसके साथ क्या खाऊंगा, वो ब्रेड देना इधर। तो है क्या, अरे जो कुछ है दे भाई दे। तुम्हें लगता है बिस्किट में आता, उसमें कुछ फर्क नहीं है, लगता नहीं है। कल के ब्लॉग में तुमने क्या बोला है, तो उसको गाइस आइए खाना खाने के लिए। खाने में है श्रावण का वेजिटेरियन, क्योंकि श्रावण में नॉन वेजिटेरियन नहीं करते हैं, हालांकि हमारे हिंदू धर्म में, तो इसलिए चपाती है और ये है हरी सब्जी। तो गाइस ये है मेरे कजन बहन की लड़की। कौन से स्कूल में है तू, स्कूल का नाम बताओ ना। पता नहीं कितनी में अभी, कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में। अच्छा, तो यही बीड़ में रहती है
मेरी फूफी के पास चलो 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 तो मेहमान पधार चुके हैं और क्या लेके आया ये रहने के लिए कपड़े तो घर से भगा दिया है क्या तो गाइस मामा इतने छोटे बच्चे को पबजी खेलने के लगा रहा है ये है मेरा क्यूट भांजा सबसे छोटा वाला कराटा चैंपियन नहीं छोड़ूंगा तुझे और रोएगा भी नहीं उसे चॉकलेट दो चॉकलेट लाएगा मैं हूँ रोहन और यहाँ पे मेरी छोटी वाली मौसी आई है और हम यहाँ पे आए हैं हमारे मौसी के घर मम्मी और मैं और रोहित आए हैं और देख सकते हो हैप्पी हेलो गाइस हैप्पी ये है हैप्पी इसका नाम ही है हैप्पी हैप्पी हाय 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 जल्दी चिड़ने मेरी आइए गाइस चिवड़ा खाने के लिए तो ये चिवड़ा बनाया है वीरेन ने मैंने बनाया मम्मी ने बनाया है तो हमारी छोटी खा रही है नाम क्या है तुम्हारा मृन्मयी किसी को नाम नहीं आता तुम्हारा सिर्फ मुझे आता है ना मृन्मयी क्या है नाम आइए गाइस पापड़ खाने के लिए अभी अरे धीरे धीरे तो पता नहीं ये किसकी बिल्ली है हर रोज घर में आ रही है मौसी की बिल्ली हाँ मौसी की बिल्ली कितना स्वीट लगता है बाबा तुम कितना स्वीट लगता है कितना मीठा लगता है तुम गुड़ जैसा मीठा लगता है कैसा लगता है गुड़ जैसे मीठा लगता है गुड़ जैसे शक्कर फीकी गुड़ भी फीका गुड़ से भी मीठा लगता है कान में बहुत दर्द कर रहा है मेरे कान में बहुत दर्द कर रहा है ना